नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो देखा होगा आपने कि पिछले कुछ दिनों से हमने ब्लॉग नहीं डाला, बस एक डाला था कि हमारे दादाजी जो है बीमार है। जी हाँ, हमारे दादाजी की हालत ऐसी थी कि सभी कह रहे थे कि लगभग 1-2% सर्वाइवल चांस, ऐसा ही कुछ क्रिटिकल सिचुएशन था उनका। लेकिन भगवान की कृपा से और यहाँ पर डॉक्टरों के जो एफर्ट से जी अभी वह जो है उस खतरे से बाहर है और लगभग यहाँ पर कुछ दिन रहेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद ही डिस्चार्ज होंगे। तो हम हैं जी यहाँ भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में, तो काफ़ी अच्छा केयर किया यहाँ पर। और हम लोग चलते हैं जी अंदर, सभी लोग जा करके बाबा से मिलते हैं। जी आई हुई है, उसकी मम्मी आई हुई है, तो गाड़ी यहाँ पर लगा दिया है और बाकी चाचा जी और पापा जी सभी लोग तो अंदर ही हैं, तो चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि जी बाबा का जो है ICU से निकाल करके प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब बाबा ICU में थे तो हम लोग समझिए कि पूरी रात लगभग इधर ही गुजारते थे हम लोग, और अब जो है प्राइवेट वार्ड मिल गया है तो बाबा के साथ भी हम लोग रात में स्टे कर लेते हैं। साबुन 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 ने आप मन की इच्छा एकदम खराब सही बोलो ना, सब कहता कि तुम्हारा 5 दिन रहे अभी हम हैं जी भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में और हम अभी बैठे हुए हैं जो यहाँ की यूनिट हेड है अमित जी, उन्हीं के ऑफिस में। तो अमित जी हैं उधर और इधर साथ में हमारे दो भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अमित जी से बात हो रही थी और बीच में ही ये दोनों भाई साहब आए। इनसे बस बात बात में हमने पूछा कि क्या इशू था आपका, क्या था, तो सब कुछ बताया इन्होंने। और जो बात मुझे मालूम चली है जी, सच में जी दिल खुश कर देने वाली है। और हम लोगों का जो एक नज़रिया होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में, वह नज़रिया से बिल्कुल एक अलग हट के बात है। और तो मुझे लगा कि अगर हॉस्पिटल या कोई भी चीज़ होता है या किसी की कमियां अगर बताते हैं, तो अगर वहां पर कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है तो अच्छी चीज़ों का भी प्रचार होना चाहिए। तो हमारा यह मोटिव है, तो सोचा कि आप लोगों से भी जो है इस चीज़ को मैं शेयर करूँ। तो सीधा चलते हैं उनके पास। भाई साहब, सबसे पहले जो अपना नाम बताइएगा। आप नरसिंह कुमार। आपका नाम? राकेश कुमार। अच्छा, आपकी पेशेंट कौन लगती है? मेरी मौसी। मौसी जी लगती है। तो आपकी मौसी जी यहाँ पर आई थी जी, तो उनका स्थिति कैसा था उस समय? स्थिति पूरा नर्वस था। नर्वस था उस समय जी। परिपति में ऑपरेशन करवाए थे यूट्रस का, ठीक है। इसमें वहाँ दिक्कत डॉक्टर से हुआ, जैसे भी हुआ डॉक्टर से हुआ, डॉक्टर यहाँ बता रहा है कि डॉक्टर से। अच्छा, यहाँ ट्रीटमेंट के बाद मालूम चला कि वहाँ कुछ दिक्कत हो गया। यहाँ तो स्थिति ऐसा था कि मेरा मौसी बचने की नर्वस में नहीं था। अच्छा, ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति थी। हम यहाँ आए ग्लोकल हॉस्पिटल, तो इसमें एडमिट ले लिया 9-10 बजे रात में, ठीक है। एडमिट ले लिया, इसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट किए हैं सब डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सब किए। इसके बाद ऑपरेशन करने के बाद कुछ पैसा जो जरूरत हुआ तो थोड़ा दिए, थोड़ा जो 10 रोज हम लोग को माफ भी किया, छोड़ा भी 10 रोज। आप सोच रहे हॉस्पिटल में और कोई ICU में एडमिट है, ICU में 10 रोज का कोई चार्ज नहीं लिया, सब छोड़ दिया, सिर्फ मेडिसिन खाली लगा। सिर्फ मेडिसिन का खर्चा? सिर्फ खाली मेडिसिन खर्च। तो आप समझ सकते हैं जी, एक ICU बेड का खर्चा लगभग कितना होता है ऑन एन एवरेज, जो की मैं जानता हूँ शायद 5,000 के करीब तो इतना होता ही होगा। और वह 10 दिन तक ICU बेड में है और उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया गया, जो भी आगे का ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें इनको कंसेशन मिल गया, सिर्फ इनको मेडिसिन का खर्चा लगा जो पिछला 10 दिन का था। तो कितना दरिया दली का काम किया है इस हॉस्पिटल ने, तो काफी अच्छा लगा। और आपके पेशेंट की हालत कैसी है अभी बताइए? पेशेंट अभी ठीक है। पेशेंट ठीक है? हाँ ठीक है। बातचीत हुआ उनसे? हाँ, बातचीत लग रहा है कि थोड़ा आत्मविश्वास लग रहा है, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, चलिए, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो सबसे अच्छी बात क्या लगी जी, कि पेशेंट यहाँ सीरियस कंडीशन में था और ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी जान भी बच पाएगी, कुछ ऐसी हालत थी ना उनकी? ऐसी हालत थी। और वहाँ पेशेंट कोई भरोसा ही नहीं था, तो वहाँ पेशेंट जो है रिकवर होकर के गए, तो इस बात से हमें भी राहत मिल रही है कि हमारे दादाजी भी यहाँ एडमिट है तो सही जगह पहुंचे हैं, और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ से पेशेंट जो है रिकवर होकर के जाते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात निकली कि यहाँ हॉस्पिटल जो है, आज देखते ही होंगे जी आजकल का जैसा जमाना है, सभी पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर दरिया दिली दिखाई गई, तो काफी अच्छा लगा। तो सोचा कि आप लोगों के सामने भी इस बात को शेयर किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल के लिए तो बहुत हमको अच्छा करते हैं। हाँ, ऐसा कहीं भी हॉस्पिटल में कोई पैसा माफ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल हमको 10 रोज सहयोग दिया कि बेटा बच जाएगा माँ तो हम 10 रोज आपका फ्री इलाज करेंगे, रोगी बर्बाद हो जाएगा दूसरे जगह जाके। तो चलिए जी, काफी अच्छा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे, शाबाशी देना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। नहीं, थैंक यू, आप
आप लोग का सहयोग मिले, पेशेंट अच्छा होकर के जाए। हमारी यही ख्वाहिश होती है कि जितने भी पेशेंट हो सारे पेशेंट ठीक होकर के जाए, अच्छे होकर के जाए और स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो आज तारीख है जी 10 और हम लोग इस हॉस्पिटल में आए हुए थे, लगभग 4 तारीख के करीब हम लोग जो है आए हुए हैं और 1 हफ्ता के करीब हम लोग का जो है यहाँ पर हो चुका है। और बाबा की हालत उस समय ये सीरियस थी, हमने बताया भी था लास्ट व्लॉग में और कहे थे कि रेगुलर जो है अपडेट देते रहेंगे, लेकिन कुछ भी हिम्मत नहीं हुई थी कि उस समय में ब्लॉगिंग करें क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान थे हम लोग। तो उसके लगभग 4 दिन बाद आज जो है स्थिति नॉर्मल हुआ है, जब हमने लास्ट वाला ब्लॉग डाला था तो अभी बीपी नॉर्मल है, मतलब जितना भी चीज़ होता है जी बीपी नॉर्मल है, यूरिन का आउटपुट सही है और जो फीवर है फीवर भी अब एकदम नॉर्मल है और जो किडनी में जो क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ था वह भी अब एक नॉर्मल स्टेज तक पहुंच रहा है। और उसके बाद बचा जी कि जो इनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था वह इन्फेक्शन भी अब धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब शायद जो है कुछ दिनों में जो है डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है वह शुरू होगा। बाकी आज एक्सरे हुआ है तो उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन अभी डिटेक्ट हुआ है, तो उस पर क्या कहना है डॉक्टर साहब का वह देखेंगे कि यहीं पर रह करके उसको हील किया जाएगा कि हम लोग अपने घर जाएंगे, वहीं पर ट्रीटमेंट होगा, दवाई होगा और रूटीन चेकअप पर बुलाया जाएगा। कुछ भी पता नहीं, वो डॉक्टर जब आएंगे तभी क्लियर होगा। बाकी यहाँ पर बाबा जो है अभी देख सकते हैं एकदम खाना खा करके जो है अभी आराम कर रहे हैं और अभी हेल्थ में जो है थोड़ा सुधार है बाबा का, अब ऑक्सीजन के बिना भी जो है अब रह पा रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन का जो है सपोर्ट कभी कभी जरूरी होता है, हालांकि वह उनको ब्रीदिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वह जो एवीजी निकलता है जिसमें इनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, CO2 लेवल कितना है, वह सब जब निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आता है, तो इसलिए ऑक्सीजन का जो सपोर्ट है अभी थोड़ा जारी है। कुछ कुछ समय पर स्पेशली जब रात में बाबा सोते हैं तो उस समय वह लगाया जाता है। तो अभी है जी हॉस्पिटल में और आज जो है यहाँ पर फाइनली है हमारे दादाजी का आखिरी दिन। जी हाँ, यहाँ डॉक्टर साहब है जिया अहमद सर, बहुत ही फेमस डॉक्टर, यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर है, बहुत नाम है इनका। तो फाइनली इनसे जो है छुट्टी मिल गई है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ और जितने भी स्टाफ रहे हॉस्पिटल के, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ पर देखा कि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका फीस भी यहाँ तक माफ़ किया गया, तो मानवता भी दिखाया गया इस हॉस्पिटल में, जो कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में एक अलग ही नज़रिया होता है हम लोगों का, तो वह भी यहाँ पर दिखा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे पेशेंट के बारे में? पेशेंट ठीक है, स्टेबल है अभी, तो खुली ये तो बैंड का भी जरूरत पड़ा था, निमोनिया हो गया था इनको, लेकिन बैंड भी हट गया है, बैकअप से भी हटा दिए हैं, अब फिर उनके बाद ऑक्सीजन पर डायरेक्ट रखा गया, वो भी रिमूव हो गया है और निमोनिया भी रिजॉल्व कर गया है, अब हम लोग स्टेबल कंडीशन में इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो अभी सब कुछ ठीक है जी? तो ठीक है जी। तो दादाजी जो है बहुत दिनों से जिद भी कर रहे थे कि अब चलना है, तो फैली आज वो दिन आ गया है और सभी लोग हम निकलते हैं। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमारे दादाजी को ठीक करने के लिए। जी को छुट्टी मिल गई है और अब दादाजी तैयार हैं। दादाजी अब निकला जाए? बिल्कुल एकदम दादाजी तैयार है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ का इंतजार है और जितना दवाई सब है वो सब दवाई लेंगे फिर हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग जी अब यहाँ से विदा होने की तैयारी कर रहे हैं और सोचा कि सभी को तो थैंक्स बोला ही, इनको स्पेशली थैंक्स बोला जाए। और दादाजी भी तारीफ कर रहे थे कि काफी अच्छे से केयर किया गया और मालूम चला क्या अभी सब्सक्राइबर है। मेरी बहू भी देखती है, मेरी बहन की बेटी दुर्गापुर में, अच्छा वो लोग भी देखती है। चलिए काफी अच्छा लगा जी जानकर कि यहाँ हॉस्पिटल में भी जो है अपने कुछ सब्सक्राइबर है। तो अब सभी जी दादाजी को यहाँ से जो है ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और क्रियांश भी आ गया है, क्रियांश खुश है फाइनली कि अब जो है गाड़ी में घूम रहा है। गाड़ी में बैठने के लिए इतना रो रहा था ये। बिल्कुल, तो चलते हैं जी दादाजी अंदर, बस तैयार ही होंगे, लेकर के आते हैं उनको। तो सभी लोग जी यहाँ पर आ गए हैं और सारा सामान लगभग पैक हो चुका है और बाबा जी को बस ले जाने की कर रहे हैं तैयारी। तैयारी क्या, तैयार हो ही चुके हैं, बस चलना है। आपका क्या फीडबैक फॉर्म है, ये साइन कर देते हैं इसमें और फीडबैक भी दे देते हैं। गुड नहीं, एक्सलेंट दे दिए। ओके, कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा। बाबा संतुष्ट हैं तो समझ के बस सब ठीक है। बाबा को तो बाबा बोलेंगे। चलिए बाबा, कैसा है यहाँ सेंटर लाइन खोलता है वर्दी वाला, हम अपने से बोलेंगे। बताओ, चलिए थैंक यू। अच्छी थी ना, अच्छे से बोले सब कुछ सब। तो चलिए जी, बाबा संतुष्ट हैं, बाबा कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक है।
तो सभी लोग तो आपको अच्छा काम किया है, बाबा बोलने अच्छा काम किया जय 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 पर तो रहा तो गिरा है पर ये ब्लैक पर आ रहा है।